दोस्तों, हम यहाँ झाबुआ जिले से आए हैं। आज का विषय जो है वो हमारे समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, हमारे जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। 75 से 77 साल होने आए देश आजाद हुए, लेकिन इसका क्या कारण है कि देश आजाद होने के बाद भी आदिवासी एक नहीं हो पा रहा है। हमारा समाज आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज भी मजदूरी के लिए, पलायन के लिए भटक रहा है, आज भी हमारा समाज कई धर्मों में बटा हुआ है, आज भी हमारा समाज कई पार्टियों में बटा हुआ है। उसका क्या कारण है यह आप हम सबको सोचने और समझने की जरूरत है। आज आपके हर घर पे मोबाइल है, आपके हर घर पे टीवी है, आज आप हर घर पे न्यूज़पेपर आता है, आज आपको पूरे देश दुनिया में हर किसी को, हर एक आदिवासी भाई बहन को ये पता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हमारे आदिवासियों को, हमारी बहन बेटियों को खुलेआम मारा जा रहा है, हमारे भाइयों को खुलेआम नंगा करके उनका लटकाया जा रहा है और उन्हें धर्म के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है। ये देश आजाद होने के बाद भी ये शोषण हमारे साथ क्यों हो रहा है? आज पूरे देश में आप देखिए किसी समुदाय, किसी वर्ग के साथ में शोषण नहीं हो रहा है, आदिवासी के साथ में ही सिर्फ इतना अत्याचार और शोषण हो रहा है। तो ये आप हम सबको सोचने समझने की जरूरत है।